दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और नया सा ट्रिक जिसके माध्यम से किसी भी नॉन ट्रू 4G सिम कार्ड के ऑपरेटर्स को ओनली 4G या फिर LTE ओनली पे फिक्स कर सकते हैं। अब जैसे कि होता क्या है, इंडिया में वन एंड ओनली करेंटली जियो 4G आपको ट्रू 4G नेटवर्क्स देता है जहां पे आपको LTE ओनली या फिर 4G ओनली करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन कुछ सेलेक्टेड डिवाइस में कुछ सेलेक्टेड ऑपरेटर्स जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, टेलीनोर या फिर आइडिया आपको ओनली 4G या फिर LTE ओनली करने का ऑप्शन नहीं देते। वो अपने सेलुलर नेटवर्क के थ्रू इस फीचर्स पे लॉक लगा के रखते हैं। अब ऐसा करते क्यों है, क्योंकि उनके पास ट्रू 4G नेटवर्क्स अब भी नहीं है, कहीं कहीं 2G पकड़ता है उनका, 3G पकड़ता है, तो ऐसे में स्विचिंग का ऑप्शन इनेबल रखते हैं ताकि जैसे ही उनका 4G नेटवर्क थोड़ा स्लो हो, पुअर हो, वो 2G या 3G पे आ जाए। तो ऐसे में हम लोग का नेटवर्क भी इंटरप्ट होता है, चूँकि जहाँ पे थोड़ा सा पुअर है वहाँ भी आपका नेटवर्क उतर आएगा 2G पे, हालांकि उस पे चल सकता है, आपका कनेक्टिविटी थोड़ा सा चल सकता है, लेकिन वो तुरंत ही ट्रांसफर कर देते हैं 2G और 3G पे। अब चूँकि आपके फ़ोन में बैंड 4G का तो है, आप उसे स्विच भी कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क ने लॉक लगा के रखा है। अब आपको किसी सीक्रेट सेटिंग या फिर किसी भी एडवांस सेटिंग को अपनाना होगा। तो आपको इस वीडियो में सुपर एडवांस सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में वर्क करेगा। हालांकि मैंने सीक्रेट कोड के थ्रू पास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन कुछ डिवाइस में यह वर्क नहीं करते थे, सबके अलग अलग सीक्रेट कोड हैं, तो मैंने एक अलग ही यूनिवर्सल वीडियो बना रहा हूं जो कि सारे डिवाइस पे वर्क करेगा। वैसे इस मेन्यू को खोलने के लिए रेडमी या फिर मोटरोला यूजर्स को एक सीक्रेट कोड बता देता हूं। आपको कीपैड में जाना है, *#*#4636#*#*#, ये टाइप करना है, तो आपका ऑटोमेटिक यह मेन्यू खुल जाएगा जो मैं अभी किसी एडवांस ऐप के थ्रू खोलने वाला हूं। तो ये एडवांस ऐप है 4G स्विचर। उस सीक्रेट कोड को टाइप करने के बाद ऐसा कुछ आपको खुल करके आएगा रेडमी या फिर मोटरोला के डिवाइस में। तो अब यहाँ से आगे के क्रम में बढ़ेंगे, लेकिन फिर से हम चेक कर लें हमारे डिवाइस में क्या सिम कार्ड है और किसे हम 4G बनाने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी बंच ऑफ टाइम। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए जेड ज्योतिष गुडविन यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। सबसे फर्स्ट पॉइंट, यह 4G स्विचर तक आप पहुंचोगे कैसे, वैसे एडवांस मेन्यू में जाकर के मैं बता सकता हूं, लेकिन हर डिवाइस का ऑप्शन अलग अलग होगा इसलिए आपको कठिनाई हो सकती है, इसलिए मैं एक एप्लीकेशन बता दे रहा हूं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली वहां पहुंच सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, यह गूगल प्ले स्टोर का लिंक है और एप्लीकेशन का साइज ओनली 40 KB के अंदर है, तो आप इसे डाउनलोड कर लें ताकि वन एंड ओनली क्लिक पे उस फंक्शन तक पहुंच सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस ऐप के थ्रू इस एडवांस मेन्यू को खोलते हैं तो आपको यहाँ थोड़ा सा लिमिटेशन मिलता है, आपको सिम वन में लगानी होगी वह सिम कार्ड जिसे आप 4G बनाना चाहते हो। लेकिन रेडमी और मोटरोला यूजर्स को अपने सिम कार्ड स्वैप करने की जरूरत नहीं है। वीडियो के स्टार्टअप में मैंने एक कोड बताया था इन यूजर्स के लिए जिसके थ्रू आप उस मेन्यू को खोल सकते हैं और वहां आपको मिल जाएगा सिम कार्ड 1, सिम कार्ड 2 चूज करने का ऑप्शन या फिर फोन इन्फॉर्मेशन 1 या फिर फोन इन्फॉर्मेशन 2 चूज करने का ऑप्शन। वहां से आप मैन्युअली सिम 2 पे चूज कर सकते हो, लेकिन इस मेथड के थ्रू नहीं जा सकते हो। मैं इसलिए आपको फिर से यह कोड बता देता हूं, ***#*#4636#*#*#। अगर आप इनके अलावा किसी अदर ब्रांड के यूजर हैं जैसे सोनी, लेनेवो, तो आप उसमें भी ट्राई कर ले, अगर ये मेथड वर्कफुल हो तो आपको आसानी होगी। यदि कोड वर्क नहीं कर रहा है तो स्लॉट 1 में अपने सिम कार्ड को लगाएं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं एयरटेल को मैंने स्लॉट 1 में लगा दिया जिसे मैं 4G ओनली सेट करना चाहता हूं। यहां मैन्युअली आप यह ऑप्शन नहीं पाएंगे, LTE 2G 3G ऑटो है, 3G 2G ऑटो है, 3G ओनली है, 2G ओनली है, लेकिन LTE ओनली या फिर 4G ओनली नहीं है। लेकिन जियो में वहीं पे आप देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा LTE ओनली यानी कि 4G ओनली का ऑप्शन। तो जियो सिम कार्ड आप कहीं भी ठूस दो 4G ओनली का ऑप्शन मिलेगा क्योंकि यह एक ट्रू 4G नेटवर्क है, लेकिन एयरटेल में ऐसा नहीं मिलने वाला है। आप कई बार देख सकते हो मैनुअली ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब एडवांस सेटिंग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो मैनुअली आप LTE/3G/2G ऑटो कनेक्ट सेलेक्ट कर ले अपने मैनुअल सेटिंग में जाकर के। आपके फोन का डिवाइस सेटिंग वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है, इसलिए अपने अनुसार LTE/2G/3G सेलेक्ट कर ले और मोबाइल डाटा भी आपका ऑटोमेटिक यही हो जाएगा क्योंकि यह तो डिवाइस का रूल है। चलिए यह सेटिंग अप्लाई हो गया। अब आइए थोड़ा सा बैक और चेक कर लीजिए मोबाइल डाटा आपका वह सिम सेलेक्ट हुआ या नहीं जिसे आप यूज करना चाहते हो। कभी कभी बग आता है, डिवाइस में नहीं हो पाता है, तो मैनुअली से सेट करना होता है। और अपने 4G स्विचर एप्लीकेशन को ओपन कीजिए जो कि मैंने डाउनलोड करवाया था वीडियो के स्टार्टिंग में। इसे आप ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ पे आप देखेंगे LTE/GSM ऑटो PRL, तो इसे आपको चेंज करना है, यही है मेन सेटिंग। ध्यान दें, अगर आप 4G स्विचर एप्लीकेशन यूज़ किए हैं तो आपका सिम स्लॉट 1 में लगा होना जरूरी है। अब यहाँ पे LTE ओनली सेलेक्ट कर ले। यह सेलेक्ट करते ही थोड़ा सा नेटवर्क में फ्लक्चुएशन दिखेगा और यहाँ पे वापस से फिर से आपका नेटवर्क आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं एयरटेल। अब हमारा 4G नेटवर्क भी आ चुका है। चलिए अब एक झलक नजर डालते हैं बाय डिफॉल्ट बैंड सिलेक्शन 4G 3G 2G ऑप्शन मेन्यू की तरफ। यहां पे आप देख सकते हैं LTE ओनली हो गया और जियो 4G 2G ओनली हो गया, फिर भी यहां पे आपको LTE ओनली का ऑप्शन मिलेगा।
अब ओनली वन 4G स्लॉट क्यों हो गया, क्योंकि कुछ कुछ डिवाइस में ओनली वन बैंड 4G होने की वजह से स्वाप हो जाता है। वहीं एयरटेल में देखें तो LTE ओनली तो सिलेक्ट हो गया है, लेकिन अब भी नेटवर्क की तरफ से लॉक है, तो इंटरनली LTE ओनली सिलेक्ट हो गया, 4G ओनली सिलेक्ट हो गया। अब तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि नेटवर्क लॉक को नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन फिर भी इस फंक्शन को इंटरनली चेंज किया जा सकता है एडवांस मेन्यू से या फिर सीक्रेट मेन्यू से। ध्यान दें, सर्विस मोड, सीक्रेट मेन्यू या फिर एडवांस सेटिंग में किसी भी चेंज को अप्लाई करने से पहले उसके यूसेज जान ले। इस वीडियो में बताए गए स्टेप के अलावा किसी भी स्टेप को अगर आप लेते हैं तो हो सकता है आपका डिवाइस क्रैक कर जाए, डैमेज हो जाए, तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। वीडियो में बताए गए स्टेप के अलावा किसी भी स्टेप को करने से पहले उसके यूसेज जान ले, नहीं तो यह आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है। और हाँ भाई लोग, अगर यह स्टेप करने में आपको किसी भी प्रकार का कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो कमेंट करें, मैं किसी भी समय आपके कमेंट का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, जो अगर आपको मेरी मेहनत जरा सा भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका ही सपोर्ट हमें नए कंटेंट क्रिएट करने में इंस्पिरेशन देता है। और न्यू विजिटर से रिक्वेस्ट है कि हमारी तरफ से अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नियमित अलर्ट मिलता रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।